और सुकमा जिले के थाना पोलमपल्ली क्षेत्र में दूसरी 74 वाहिनी सीआरपीएफ और जिला बल संयुक्त अभियान पर निकला था। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गोर गुंडा से बंजारा पारा में जाने वाले रोड के पास में 10 किलोग्राम की 2 आईईडी बरामद की हैं, जिससे बड़ा नक्सली हमला टल गया है। वहीं इस सुरक्षा बलों ने आईईडी को सुरक्षित तरीके से मौके पर ही नष्ट कर दिया है। तो सुकमा से ये बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों ने आईईडी विस्फोटक को बरामद किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसको मौके पर ही नष्ट कर दिया है। बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की वारदात बढ़ चुकी है, और बता दें कि सुकमा जिले के थाना पोलमपल्ली क्षेत्र में दूसरी 74 वाहिनी सीआरपीएफ और जिला बल संयुक्त अभियान पर निकला था, और इसी दौरान सुरक्षा बलों ने गोर गुंडा से बंजारा पारा जाने वाले रोड के पास में 10 किलोग्राम के 2 आईईडी बम बरामद किए, जिससे बड़ा नक्सली हमला टल गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने आईईडी को सुरक्षित तरीके से मौके पर ही नष्ट कर दिया। और सुकमा से संवाददाता विजय पचौरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजय, सुकमा में सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी विस्फोटक बरामद किए, हालांकि उनको मौके पर ही नष्ट कर दिया है। लगातार छत्तीसगढ़ में और सुकमा में नक्सली वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या कुछ जानकारी है विजय? मनीष, मैं बता दूं कि सुकमा जो इलाका है नक्सलियों की राजधानी कहलाती है, और यहाँ हिड़मा जो नक्सली सबसे बड़ा लीडर है उसका यहाँ पे इलाका है, और वो बॉम्ब प्लांट करने में माहिर है। मैं बता दूं कि सुकमा इलाके में लगातार जो है नक्सली सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार के आईडीई लगा रखे हैं, और कई बार नक्सलियों के आईडीई की चपेट में आने से जवान शहीद हुए या फिर घायल हुए। आज भी सुकमा जिले के पोलमपल्ली इलाके में जब सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के जवान जब अभियान से निकले हुए थे, तभी नक्सलियों के लगाए गए 10 किलो के 2 आईडीई को बीडीएस की टीम ने ढूंढ कर निकाला और दूर ले जाके मौके पर निष्क्रिय किया है, और अब इस इलाके की सरगर्मी से तेज कर दी गई है। मैं बता दूं कि नक्सली लगातार जो है सुरक्षा की नुकसान पहुंचाने के लिए आईडीई लगा रखते हैं, लेकिन अब सुरक्षा बल के जवान लगातार जो है नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर पानी जा रहे हैं। तो सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों ने हालांकि उन दोनों आईईडी को वहीं पर मौके पर नष्ट कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नक्सलियों ने इस बात को कबूला है, और क्या इनके खिलाफ में क्या कुछ सर्चिंग कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं मनीष कि ये जो इलाका है सुकमा का इलाका है, यहाँ पे हमेशा ही गोलियों की गूंज और बम के धमाके आम बात की हो गई है, क्योंकि नक्सली अपनी सरकार चलाना चाहते हैं और लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान जिस प्रकार से विकास सुरक्षा और त्रिवेणी कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं, ग्रामीणों में बहुत सुविधाएं पहुंच रही है, नेटवर्क पहुंच रहा है, कैंप बैठ रहे हैं, तो नक्सली पोखराए हुए हैं। नक्सली जो है उनका जनाधार लगातार इन इलाकों से गिरता जा रहा है। अपने जनाधार को बचाने के लिए नक्सली कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और अब लगातार घटनाएं कर भी रहे हैं, हालांकि सुरक्षा बल नक्सलियों के ऊपर नकेल करते हुए इनको पीछे धकेल रहा है, और जितने भी नक्सलियों ने आईडी लगाए हैं उनको सुरक्षा ढंग से निकाल करके निष्क्रिय किया जा रहा है। मनीष जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुकमा से ये बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी विस्फोटक बम बरामद किए, हालांकि उनको मौके पर ही नष्ट कर दिया। लगातार छत्तीसगढ़ समेत कई जिलों में नक्सली वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है, हालांकि कई दिनों से कई नक्सली घटना भी सामने आई है, और पुलिस और सीआरपीएफ लगातार इन घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है।